मैंने अपने चेस्ट एरिया को कैसे कम किया है यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो मोस्ट पावरफुल चीज देने जा रही हूँ जिसको करके चाहे आपका चेस्ट कितना भी बड़ा है आप उसको सही शेप दे सकते हैं। हाय, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं संदीप से कुछ, जहां पे मैं आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें लेके आती हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करती हूं, अपने लिए भी मेहनत करती हूं। तो प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हमारा चेस्ट एरिया हमें अट्रैक्टिव दिखाता है, हम जो भी पहनते हैं वो हमारे ऊपर फबता है अगर आपका चेस्ट एरिया अच्छा है। तो मेरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने उसको कम कैसे किया है वीडियो को एंड तक देखना है। अब आपका चेस्ट एरिया बड़ा होगा छोटा होगा ऑफ कोर्स जींस पे निर्भर करता है, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके उठने बैठने पे, आपके खाने पे, आप किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि एक्टिविटीज को अपने जीवन में लेके आइए, एकदम से यंग बनना शुरू हो जाएंगे अगर आप हर रोज आधा घंटा अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज करते हैं। तो या खाने पीने पे और आपकी एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें मस्ट हैं आपके चेस्ट एरिया को, चाहे उसको छोटा बनाने की बात है, चाहे उसको बड़ा बनाने की बात है, या फिर उसको लिफ्ट अप करने की बात है, कुछ भी है, तो ये दो चीजें मैटर करती हैं। अब क्या करना है आपको, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने खुद ने पर्सनल कौन सी एक्सरसाइज की जिनको करके मेरा चेस्ट एरिया सही शेप में आ गया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, साथ के साथ मैं बात करती हूँ चलूंगी। सीधा खड़ा हो जाना है, बिल्कुल सीधा, हाथ इस एंगल में मुड़े हुए होने चाहिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूं। अब आपको यह फील करना है कि आप कोई चीज पकड़े हुए हैं और आप उसको पीछे लेके जा रहे हैं, इस तरीके से चेस्ट एरिया हल्का सा आगे आएगा, हाथ पीछे जाएंगे, लेकिन ये करना है कि आप बहुत जोर लगा रहे हैं इस तरीके से स्लोली। अच्छा, इससे क्या होगा, जो फैट के चेस्ट के चारों तरफ जो फैट जमा हुआ है वो निकलेगा। हम बॉडी को भी तो पतला बनाते हैं ना एक्सरसाइज से, तो ये भी आपकी बॉडी ही है, इसको पतला बनाने के लिए भी एक्सरसाइज आपकी मदद करेगी। तो उस फैट, वो फैट टारगेट होगा और वो अपने आप धीरे 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 करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। कितने टाइम भी कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को, आप 20 टाइम कर सकते हैं या 30 टाइम कर सकते हैं या 50 टाइम कर सकते हैं, जितने आपके पास टाइम है, लेकिन अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालिएगा अगर आप अपने चेस्ट एरिया को सही शेप देना चाहते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है आपकी, सीधा खड़ा होकर नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है आपको और इस तरीके से लेके जाना कि आप कोई बहुत जोर से चीज खींच रहे। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सारा काम आपको आपके अपर बॉडी से ही करना है, हाथ रखना है आपकी यहां पे और एक हाथ पीछे लेके जाना है, ऐसे धीरे आराम से। हर एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा प्रेशर देके करनी है, मतलब जब आप हाथ पीछे लेके जा रहे हैं ना तो ऐसे लगना है कि आप कुछ चीज को ऐसे पीछे लेके जा रहे हैं, मतलब आपका थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, तब एक्सरसाइज काम करेंगी। तो इस तरीके से पहले 20 टाइम एक हाथ से और फिर 20 टाइम आपको दूसरे हाथ से एक्सरसाइज करनी है। देखिए YouTube पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, हद से जब भरा पड़ा है आप देखेंगे तो उठा के, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ वही एक्सरसाइज दे रही हूँ जिनको मैंने किया है और आपने देखा ही होगा कि मेरा चेस्ट एरिया डेफिनेटली बड़ा हुआ था, अब बिल्कुल शेप में है। तो सेकेंड एक्सरसाइज ये रही आपकी, इसको आपको बड़े आराम से करना है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से फिर एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है ये आपके चेस्ट एरिया को तो कम करेगी ही करेगी, अगर आपका जो चेस्ट है वो शैग हो चुका है उसको लिफ्ट अप करने का भी काम करेगी। तो आपको दोनों हाथ पीछे लेके जाने हैं, अगेन आपको लगना चाहिए कि आपने पीछे कुछ हाथों में होल्ड करके रखा है, आपका जो चेस्ट एरिया वो हल्का सा आगे निकल जाएगा और हाथ पीछे चले जाएंगे, और पीछे हाथ से आपको कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूं इस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है, ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे दबाव आएगा आपके, ये जो मसल्स है ना यहाँ पे चारों तरफ आपको दबाव, ऐसा खिंचाव महसूस होगा। हो सकता है कि अगर आप बिगिनर हैं फर्स्ट टाइम करेंगे तो हल्का सा यहाँ पे मसल पेन आ सकता है आपको, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है, सबको होता है। तो इस तरीके से ये आपकी तीन एक्सरसाइज हो गई है, इन्हीं एक्सरसाइज ने मेरी मदद की है मेरे चेस्ट एरिया को सही शेप देने के लिए। देन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ऑफ कोर्स मोटे हैं तो चेस्ट एरिया भी मोटा होगा बड़ा होगा, तो आपको वजन कम कर देना है, इजी वे में, फास्ट वे में नहीं करना है, स्लोली धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर एकदम से कर देंगे तो आपका जो चेस्ट है वो शैग हो जाएगा,
तो इसलिए धीरे धीरे करके आपको पहले वजन कम करना है। अगर आपकी पूरी बॉडी शेप में है लेकिन चेस्ट आपका बड़ा है तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपकी मदद करेंगे आपके चेस्ट एरिया को सही शेप देने के लिए। अब क्या खाना है, कौन सा ऐसा ड्रिंक है जिसको पी के आप अपने चेस्ट को छोटा बना सकते हैं, चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनकी मदद ले सकते हैं, नहीं नेक्स्ट पार्ट में फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से प्यार दिया ना तो नेक्स्ट पार्ट यही होगा कि आपको क्या खाना है ताकि आपका जो चेस्ट एरिया है वो सही शेप में आ जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये वीडियो जिन जिन को जरूरत है प्लीज उनके साथ तो पक्का ही शेयर कर दीजिएगा। मैं इजी वे बताती हूँ आप लोगों को और सेफ, जो सेफ होता है ठीक है ना, वही चीजें हमें करनी है जो हमारे लिए सेफ है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश